हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मैं खुद वीडियो कैसे एडिट करता हूँ, यानी मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन से किस प्रकार एडिट करता हूँ। सभी दोस्त पूछते हैं, यार आप किस प्रकार एडिट करती हो? तो दोस्तों, आज मैंने सोचा कि आपको बता ही दूँ मैं किस प्रकार एडिट करता हूँ। तो दोस्तों, बहुत आसान तरीका है, मेरे पास एप्लीकेशन है काइनमास्टर एप्लीकेशन, मैं इसे एडिट करता हूँ मेरा वीडियो। तो आप भी देखिए मैं किस प्रकार एडिट करता हूँ। दोस्तों, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर प्लस पर टिक करता हूँ। प्लस पर टिक करने के बाद मैं इंपोर्टेड प्रोजेक्ट पर चला जाता हूँ, और यहाँ पर जाने के बाद मैं इस प्रकार का मेरे सामने इंटरफेस आ जाता है। फिर मैं क्या करता हूँ, मीडिया ब्राउज़र में चला जाता हूँ। मीडिया ब्राउज़र में जाने के बाद मैं एक बैकग्राउंड के लिए अच्छी सी फ़ोटो जो मैंने शायद डाउनलोड कर रखी है, मेरे पास डाउनलोड फ़ोटो यहाँ पर है। मैं यहाँ से मैं ये फ़ोटो को मेरे जो बैकग्राउंड आपको देखती हो वो बैकग्राउंड किस प्रकार लगाता हूँ, मैं ज़्यादातर शायद ये फ़ोटो लगाता हूँ। ठीक है दोस्त, ये इस प्रकार की फ़ोटो ले लेता हूँ। उसे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, जितने मुझे वीडियो बनाना है उतनी देर का बढ़ा लेता हूँ, और यहाँ पर सही पर टिक कर देता हूँ। बाद में क्या फ़ोटो हिल रही है, तो मैं क्या करता हूँ, इस फोटो पर टिक कर देता हूँ, और यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं इस पर टिक कर देता हूँ, और क्रॉप कर लेता हूँ, और बीच में मैं दोनों को प्लस पर टिक कर देता हूँ। इस फ़ोटो को थोड़ा जूम करके, जूम करने के बाद मैं यहाँ से सही कर देता हूँ। तो पहले मैं बैकग्राउंड इस प्रकार सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दूसरा नंबर होता है कि मैं ग्रीन जो पर्दा होता है ना, ग्रीन पर्दा, उसके आगे मैं वीडियो बना लेता हूँ जैसे मैंने बना रखा। मैं फिर क्या करता हूँ, फिर मैं लाइब्रेरी पर जाता हूँ। लाइब्रेरी पर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, वीडियो में चला जाता हूँ। वीडियो पर जाने के बाद मेरे पास ये देखो एक ग्रीन स्क्रीन का मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखा है। तो मेरे पास ये ग्रीन स्क्रीन का वीडियो रिकॉर्ड रखा है, इसे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, और क्रोमा की मदद से इसका पीछे का बैकग्राउंड हटा देता हूँ। किस प्रकार हटाता हूँ, मैं इस पर टिक करता हूँ, और यहाँ से इसे इनेबल कर देता हूँ, और इसको मैं ध्यान से अच्छी तरीके से इसका मान लो अच्छी तरीके से इसका पीछे का जो ग्रीन कलर है वो हटा दिया। हटाने बाद मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ। अब हमारे सामने कुछ इस प्रकार का हो जाता है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, लाइब्रेरी पर टिक करता हूँ, और इमेज पर टिक करता हूँ। इमेज पर टिक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड में मतलब मैंने और भी कुछ चीज़ डाउनलोड कर रखी है, वो एक स्टोर, जैसे हम क्या बोलते हैं काउंटर है ना, वो डाउनलोड कर रखा है। जैसे ये वो काउंटर है, ठीक है, ये फ़ोटो है काउंटर की जो मैंने स्टिकर बना रखा है इसका। इससे मैं थोड़ा जूम करने के बाद इस प्रकार जूम कर लेता हूँ, और इसे काउंटर को इस प्रकार सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि देखने में अच्छा हो। ठीक है ना दोस्त, अब ये मैं क्या करता हूँ, इसे बढ़ा देता हूँ जितनी देर के लिए। अब क्या होता है, मेरा बीच में हाथ इधर उधर हो रहा है ना, तो इसके लिए मैं लुकोने के लिए मतलब अब इसमें क्या करता हूँ, एक सब्सक्राइबर का बटन लगाता हूँ। वो कैसे लगाता हूँ, मैं लाइब्रेरी पर टिक करता हूँ और इमेज पर चले जाता हूँ। इमेज पर जाने के बाद मैंने डाउनलोड एक सब्सक्राइबर का फोटो है, जो सब्सक्राइबर इमेज जो जिसे हम बोलते हैं PNG इमेज मैंने डाउनलोड कर रखी है, वो ये देख लीजिएगा, जो सब्सक्राइबर PNG ये इसमें यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है ना, इसे मैं यहाँ लगा देता हूँ और यहाँ से सही कर देता हूँ। बस इस प्रकार इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब मेरा वीडियो इस प्रकार बनने के बाद मैं क्या करता हूँ, मतलब इसमें पूरा सेट कर देता हूँ, जहाँ तक ये वीडियो है यहाँ तक का मैं इसे कर देता हूँ, और सेम टू सेम मतलब सारी चीज़ यहाँ तक कर देता हूँ, और ये स्टोर यहाँ तक करता हूँ। अब देखने हमारा वीडियो इस प्रकार हो गया। अब इसमें हम कुछ और भी डाल सकते हैं, जैसे अब कोई चीज़ डालनी होगी, अब मैं बोलता बोलता किस चीज़ का नाम लेता हूँ, मतलब लाइक का, तो लाइक का बटन लगा देते हैं। जैसे इमेज पर टिक करता हूँ, और यहाँ से भी मैंने डाउनलोड पर एक इमेज का स्टिकर डाउनलोड कर रखा है, जैसे आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिकर देख रहे होंगे, तो ये लाइक का स्टिकर मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो ये बटन मैं यहाँ लगा देता हूँ लाइक का, और इसमें इफ़ेक्ट यहाँ से जोड़ देता हूँ, ये वाला इफ़ेक्ट, जैसे ये इफ़ेक्ट जोड़ देता हूँ, और इसे भी बढ़ा देता हूँ या छोटा छोटा कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं लाइक का नाम लूँगा वहाँ पर ये आ जाए। तो इस प्रकार ये मैं वीडियो बनाता हूँ। और अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि मैं वीड ग्रीन, अब ये क्यों करता है, ये लाइक का कहा तो लाइक आ गया। अब इसके बाद मैं आगे का इसमें यहाँ तक मतलब जितना रखना है इतना रखने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ मीडिया में, और यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ठीक है ना, आप देखिए मैं पूरी जो मेरा असलियत में जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो भी बता रहा हूँ। फिर मैं क्या कहता हूँ, यहाँ से कोई बैकग्राउंड ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये बैकग्राउंड ले लिया, और उसे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जितनी दूर का मेरा वीडियो है जितना लंबा मेरा वीडियो उतना मैं बढ़ा देता हूँ, उसे सही कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ तक बढ़ा देता हूँ, या बीच में ये इसे अच्छे से एडिटिंग कर लेता हूँ यार, ताकि किसी को पता भी नहीं चलता, मतलब ये इसी तरह अच्छे से
गलत एडिटिंग। अब मैं क्या करता हूँ, जो ड्यू रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन से जो भी मैं किसी एप्लीकेशन के बारे में या कुछ बात बताता हूँ, ड्यू रिकॉर्ड एप्लीकेशन जो मैं सेकंड रिकॉर्ड करता हूँ उसको ले आता हूँ। जैसे मैं रिकॉर्डर से, मेरे पास ये वाली है तो ये मैं ले आता हूँ, वैसे मैं एकदम अच्छे तरीके से लगा देता हूँ सेट। जैसे मैं इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर सेट लगा देता हूँ इस प्रकार, ठीक है ना दोस्त। इस प्रकार लगाने के बाद मैं यहाँ से सही पर टिक कर देता हूँ इसे। अब क्या करता हूँ, फिर मैं एक पास एक इमेज और है, लाइन पर टिक करता हूँ, इमेज पर चले जाता हूँ, डाउनलोड में चले जाता हूँ। डाउनलोड से मेरे पास एक इमेज है जो कि एक मोबाइल फ़ोन की है। जैसे ये देखो मोबाइल फ़ोन, ये मोबाइल फ़ोन इसके ऊपर सेट कर देता हूँ अच्छे तरीके से इस प्रकार, और इसे सही कर देता हूँ। तो इसे इस प्रकार एकदम सही कर देता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार मैं वीडियो बनाता हूँ, ये एकदम इस प्रकार वीडियो बनाता हूँ, उसमें कुछ खांट चांट करता हूँ। अब यहाँ पर मेरा वीडियो चलने लग जाता है, और लास्ट में सब्सक्राइबर का बटन वो इस प्रकार ही लगा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं मेरा वीडियो यहाँ तक का है तो यहाँ से काट देता हूँ, या इस प्रकार काट देता हूँ और यहाँ से आगे का काट देता हूँ, और इस पर बाद में फ़ोन को भी काट देता हूँ, ठीक है। ऐसे फ़ोन को टिक किया, उसे फ्रंट कर देता हूँ, फ्रंट इस प्रकार फिर से कर देता हूँ। फ़ोन मतलब फ्रंट में आ गया, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एंड स्क्रीन लगा देता हूँ। जैसे मेरा पूरा हो गया वीडियो, यहाँ से अब कहता हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, वीडियो पर जाता हूँ, और यहाँ से मैंने पास पहले का एक वीडियो बना रखा है, जैसे ये इस पर हम टिक कर देते हैं। और यहाँ पर टिक करने के बाद यहाँ से कोई बैकग्राउंड रोल ले लेता हूँ मैं, या चाहे तो बैकग्राउंड लेने की जरूरत नहीं, इसे आप बड़ा कर दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ तक बड़ा कर दिया, और अब क्या करते हैं, ये ग्रीन स्क्रीन से मैंने बना रखा है। अगर ये आपको बनाना नहीं आता तो आपके एंड स्क्रीन में मिल जाएगा कि मैंने ये किस प्रकार बनाया, वो भी मैं बता दूंगा आपको। और इसका मैं क्रोमा की से ग्रीन स्क्रीन हटा दूंगा और से कर दो। अब क्या होगा कि मेरा वीडियो पूरा होने के बाद, यहाँ से मेरा वीडियो पूरा हो गया, उसके बाद प्ले आगे का इस सिस्टम इस प्रकार आएगा, कैसे देख लीजिएगा। इस प्रकार आपको बनाना है तो मेरा वीडियो देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार मैं वीडियो बनाता हूँ, आप चला कर दिखा दूँ। जैसे मेरे YouTube चैनल पर आपका दोस्त टेक्निकल कुलदीप। तो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और ये बटन दबाकर आप सब्सक्राइबर कर दीजिएगा, और आपको मैं बहुत अच्छी अच्छी टेक्निकल की जानकारी मिलेगी आपको, और कॉमेडी भी मिलेगी आपको, राजस्थानी देसी कॉमेडी आपका दोस्त बनाएगा। तो आप देखिए इस वीडियो को, तब तक बाय बाय। हेलो दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत। मतलब मैं आपको बता, इसमें मैं क्या करता हूँ, बाद में ना रिकॉर्डिंग है, जैसे मैं जिस टॉपिक का वीडियो बना रहा हूँ उस टॉपिक के बारे में बोलता हूँ। ये मेरे पहले का मैं कॉमेडी बना रहा था दूसरे चैनल पर, उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार जैसे आप जिस टॉपिक का ग्रीन स्क्रीन उस प्रकार का बोलिए, बाद में इस प्रकार बोलिए, और बाद में आप इस प्रकार का ग्रीन स्क्रीन लगा दीजिए ताकि आपको बहुत अच्छा रहे। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी बात बता रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेव कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर शेयर पर टिक करता हूँ, शेयर पर टिकने के बाद सेव वीडियो टू गैलरी इस पर टिक करता हूँ, और टिक करने बाद यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, मतलब कार्ड के अंदर सेव कर लेता हूँ, फिर मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी आपको पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा, शायद मुझे आता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा दोस्तों। और आपका दोस्त वैसे आपका वैसे यार सब्सक्राइबर कर दीजिएगा यार, ठीक है दोस्त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय यार।